हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डायपर, कौन सा डायपर हम यूज करें। बहुत सारी मामा का क्वेश्चन आता है कि मैम बजट वाला डायपर बताओ, बच्चे की स्किन के लिए अच्छा हो, कॉटन का डायपर हो, बच्चे की स्किन में रेडनेस ना हो, इचिंग ना हो बच्चे को, बच्चा गीले में ना रहे, डायपर लीक ना हो। और ज्यादातर मम्मा का क्वेश्चन होता है कि मैम बजट में डायपर हो, ऐसा कोई डायपर आप शेयर करो जो कि रीयूज हो जाए। हम डायपर तो बहुत सारे मम्मा यूज करते हैं। देखिए सर्दी होती है तो ऑब्वियसली बात है हम दिन में नाइट में दोनों टाइम यूज करते हैं, कि बच्चा जब छोटा होता है ना, सो थोड़ी बहुत भी अगर ठंड लग जाती है तो बहुत ज्यादा बच्चा बीमार हो जाता है। तो उसकी सेफ्टी के लिए कि बच्चा गीली में रहेगा तो ऑब्वियसली बात है जुकाम खांसी होने का डर रहेगा, तो हम यूज करते हैं रात में डायपर। अब डायपर हम जो दूसरा डायपर लेके आते हैं मार्केट वाला, जैसे मार्केट में बहुत सारे डायपर हैं, पैम्पर्स हैं, हगीज हैं, हम वो यूज़ करते हैं। तो वो एक होता है ना कि हर महीने का अलग से खर्चा हो जाता है हमारी फैमिली में इंक्लूड, कि इतने डायपर हमें लेके आने हैं। अब लगा लीजिए 31 डेज हो गए, तो अगर हम रात में यूज कर रहे हैं डायपर तो 31 डेज के 31 डायपर हो गए। बट कई बार क्या था, बच्चा पोटी कर देता है या लीक हो जाता है तो हम और भी डायपर यूज कर लेते हैं, है ना। तो वो डायपर अब इतने महंगे महंगे हम डायपर खरीदते हैं तो वो कुछ बजट में नहीं रहता। तो मम्मा का क्वेश्चन होता है कि मैम ऐसा डायपर हो कि बजट में भी हो, साथ में बच्चे की स्किन के लिए हेल्दी हो। क्योंकि कई बार क्या होता है जब डायपर हम रेगुलर यूज करते हैं ना, बच्चे की स्किन में रेडनेस आ जाती है, इचिंग होती है, बच्चा रोता है। क्योंकि सर्दियों में ना रात में दिन में दोनों टाइम हम जब डायपर यूज करते हैं ना, बच्चे की स्किन को हवा नहीं क्रॉस होती है, जिससे बच्चे की स्किन में इचिंग होना शुरू हो जाती है, रैशे होना शुरू हो जाते हैं और बच्चा ना रोता बहुत है, रात में कंफर्टेबली सो भी नहीं पाता। तो आज मैं जो डायपर आपसे शेयर कर रही हूँ उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पहली बात कॉटन का डायपर है, दूसरी बात जब बच्चा सुसु करता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, उसकी स्किन ना ड्राई नहीं होती है, लाइक आप लगा लीजिए जो रेडनेस आ जाती है ना स्किन में बच्चे की, वो बिल्कुल नहीं होती है। रैशे होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बेटे में, मैं जब से यूज कर रही हूँ 5 घंटे इसका लगा लीजिए यूज कर सकते हो, 5 घंटे के बाद ही गीला हो जाता है। अब बाकी डिपेंड भी करता है बच्चा आपका कितना फीड ले रहा है, लाइक अगर आप उसे बॉटल में मिल्क दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग होता है कि बच्चा कितना सुसु करता है, उसके हिसाब से होता है कि बच्चा अगर ज्यादा दूध पी रहा है, शीशी आप ज्यादा दे रहे हो बच्चे को, तो थोड़ा ये होता है कि लीक होने का प्रॉब्लम होता है। बट 5 घंटे आराम से आप उसे यूज कर सकते हो, 5 घंटे आराम से चल जाता है, ठीक है। तो मैंने जो यूज किया है डायपर आज मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास ये डायपर आया था, ये देखिए सुकीज का डायपर है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है और बहुत ज्यादा। सबसे पहली बात तो ये कॉटन का डायपर है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, और कलरफुल है, बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे, आप सर्च कर लीजिएगा। ये देखिए जैसे पैंटीज होती है ना बच्चे की वैसी है, और सबसे पहली बात ये कॉटन का स्टफ है, बहुत ज्यादा इससे बच्चे को रैशेज नहीं होंगे, ना ही बच्चे को जो इचिंग होती है वो बिल्कुल नहीं होंगे, रेडनेस नहीं आएगी स्किन में। और इसके ऊपर देखिए जो ये लगे हुए ना बटन, आप बच्चे से कई बच्चे पतले होते हैं मोटे होते हैं, आप इसको बिल्कुल इजीली इस तरीके से छोटा बड़ा करके पहना सकते हो। अब बहुत सारी मम्मा का क्वेश्चन होता है कि मैम डायपर कब हम ये कॉटन वाले यूज कर सकते हैं, कितने साल के बच्चों के लिए। तो 3 महीने से बच्चे, ये लगा लीजिए 3 महीने का बच्चा है तो आप यूज कर सकते हो कॉटन के डायपर, 3 महीने से 3 साल तक के बच्चों के लिए डायपर आराम से मिल जाते हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। इसमें देखिए ये आपको दिया होगा, इसका जो स्टफ है ना बहुत ही परफेक्ट स्टफ है, कॉटन स्टफ है, रैश होने की कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। आपने इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है और इसमें भी देखिए बटन है, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर भी बटन दे रखे हैं, ये देखिए हम इसको यहाँ से ऐसे टक कर देंगे लाइक दिस, ये देखिए ये एडजस्ट हो गया है और बेबी को इस तरीके से हम पहना देंगे लाइक दिस। इसको आप पहना दोगे आप, ये जो बटन यहाँ दे रखे हैं इस तरीके से आपने जितना भी आपने छोटा बड़ा करना हो आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए डायपर हमारा रेडी है बनके, ये देखिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये लीक नहीं होता सुसु ना ही पॉटी, अगर बच्चा कर भी देता है तो ये एकदम कंफर्टेबली, देखिए यहाँ से ना बिल्कुल बच्चे के टाइट नहीं होता है, रबड़ इसकी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो ना ही सुसु पॉटी लीक होगा। कई बार बच्चा जैसे हम पहना देते हैं पॉटी कर देता है वो भी लीक नहीं होगा, मेरे साथ तो अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं आई है। तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, सबसे पहली बात है बच्चे को रैशेज नहीं होते ना, तो बहुत अच्छा है, बच्चा कंफर्टेबल यूज करता है, जैसे कॉटन की पैंटीज होती है सेम उसी तरीके का इसका स्टफ है, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मुझे लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं और अपने बच्चे के लिए इसे परचेज कर सकते हैं, बजट में भी है। आप इसे देखिए 300, अब देखिए हम इसे वॉश करके कितनी बार यूज कर सकते हैं, 300 बार आप इसे रीयूज कर सकते हो। तो आप एक डायपर तो मंगाओगे नहीं, 5 से 6 डायपर मंगा लीजिए, आराम से इसे यूज करिए, 3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए
इसमें इतने सारे बटन है ना, तो साइज के हिसाब से आप इसे आगे बड़ा बड़ा के इसे यूज कर सकते हैं। पीछे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा इसे पीछे बटन टक करते जाइए और ये यूज हो जाएगा। तो ये अगर एक बार मंगा लोगे तो काफी टाइम तक आपकी छुट्टी हो जाएगी डायपर ना मंगाने के लिए। तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैंने अपने बच्चे को पहनाया भी है। और इसका देखिए कलरफुल के मिलती है ना तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है, बच्चा पहनता है ना तो बहुत ज्यादा लुकिंग में भी बहुत अच्छा लगता है, क्यूट सा लगता है। मुझे तो ये डायपर बहुत अच्छे लगे, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो लिंक मैंने जो दूंगी आपको ना, वहां से आप सर्च करिएगा और इसे परचेज जरूर करिएगा। तो ये देखिए मैंने अपने बेटे को ये डायपर पहनाया है और देखिए कितना कलरफुल अच्छा लग रहा है ना। और देखिए यहाँ से इलास्टिक इतनी ज़्यादा टाइट नहीं होती कि बच्चे को रेडनेस हो जाए, बहुत ही सॉफ्ट होती है। इससे ना बहुत ज़्यादा बच्चा भी कंफर्टेबल रहता है। कई बार क्या होता है जब बच्चा बैठने लग जाता है ना तो जो कपड़े वाले डायपर होते हैं कम्फर्टेबल फील नहीं करते, बट ये कम्फर्टेबली बैठता है उठता है क्योंकि इसे सॉफ्ट लगता है। ज़्यादा टाइट से ना इसे रेडनेस कभी नहीं हुई है क्योंकि बहुत कम्फर्टेबल है। इसके लिए देखिए आराम से बैठा है, अपना खेल रहा है, यहाँ वहाँ जाना, अब ये चलता भी है क्योंकि एक साल का हो गया है तो बॉल से खेलने की कोशिश करता है, तो कंफर्टेबली इस डायपर में देख के खेलता है, उठता है, बैठता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं नाइट में भी इसे पहना देती हूँ जब सोने के टाइम पे, क्योंकि अब मौसम यहाँ पे ठीक है तो मैं अब यही यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे आप भी रात में इसे पहना सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से चेकआउट करके इसे परचेज कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना कंफर्टेबल खेल रहा है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर से मिलती हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।